नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश पंजाबी। आपका स्वागत है टीआरपी पाठशाला में। पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्री का मेथड 1 सिखाया था, जिसमें हेल्प से हम बड़े एंगल्स के साथ डील करते थे और हमने 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ यूज करते हुए बड़े एंगल्स निकालना सीखे थे। आज मेथड 2 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास के अगर आपने नहीं देखा है तो आज की क्लास आपको थोड़ी डिस्टर्ब लगेगी या सेगमेंट्स आप नहीं समझ पाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस क्लास के लिंक शेयर कर दूंगा, सो पहले आप उसको देखें, देन ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आइए सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं। सो हमने डिस्कस किया था, चार क्वाड्रेंट्स हमारे डिवाइडेड थे 2D प्लेन में, जिनमें कहीं पर कोई फंक्शंस पॉजिटिव थे, कहीं पर कोई फंक्शंस नेगेटिव थे। उन्हें याद रखने की ट्रिक है ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन एंड कॉसेक, थर्ड में टेन एंड कॉट, एंड कंपनी से था कॉस एंड सेक। जस्ट अ क्विक रिवीजन। और दो मेथड्स में से मेथड 1 थी 180 या 360 का यूज करके एंगल्स के साथ डील करना, सेकेंड मेथड थी 90 एंड 270। तो मैंने इसमें डिग्री नहीं लगाया ना, एडिटर ने, भूल जाते हैं लोग, लगाना चाहिए, गलत बात। ओके, सो 180 360 के साथ जो है हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं, आज मेथड 2 डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं मेथड 2 की तरफ। सो मेथड 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार मेथड 1 का थोड़ा सा क्विक रिवीजन दे देता हूं। सो जो हमने मेथड 1 सीखा था, जिसमें हम डील कर रहे थे एंगल्स 180 डिग्री और 360 डिग्री के साथ, तो उनमें हमें क्या करना होता था। सबसे पहले नंबर पे हम क्वाड्रेंट देखा करते थे कि उस पर्टिकुलर एंगल पर कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है। सेकेंड नंबर पे हम ये देखा करते थे कि जो भी पर्टिकुलर फंक्शन है वो उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंड देन आफ्टर हम डिफरेंस देखा करते थे कि जो भी एंगल हम इवेल्युएट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर एंगल का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री से या 360 डिग्री से, जो ज्यादा पास में हो उससे हम डिफरेंस देखना कन्वीनियंट लेते थे, है ना। नाउ अब क्या होगा, जो आज हम मेथड डिस्कस करने वाले, दैट इज मेथड नंबर 2। आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहला काम सेम है जो वहां पर करते थे, यहां पर भी वही करना है। सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। जैसे ही आपने क्वाड्रेंट देख लिया, ओके, सेकंड नंबर पे आपको देखना है उसका साइन कि उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में वो फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोले सर तो सेम चल रहा है जैसा आपने पहले बताया था, इसमें अलग क्या आएगा। स्टेप नंबर 3 में हमें डिफरेंस देखना है फ्रॉम 90 डिग्री और 270 डिग्री, जो ज्यादा पास में। बोले तो सब सेम हो गया, यहां पर भी तो वही था, 180 360 से डिफरेंस था, यहां 90 और 270 से डिफरेंस है। बट इसमें आपको एक काम और करना पड़ता है, वो एक काम क्या है देखिएगा। आपको यहां पर जो भी हमारा फंक्शन रहता है उस फंक्शन में करना पड़ता है कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है वाला, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज आपको करना होता है। एक काम इसमें बढ़ जाता है, वो चेंज कैसे होता है देखिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। अगर मान लीजिए फंक्शन साइन में होगा तो हम उसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। और सेकेंड हम देखते हैं यहां पर टेन, सो टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। अगर टेन में होगा तो हम कॉट में चेंज कर देंगे। sec का कॉम्प्लीमेंट्री होता है cosec। अगर फंक्शन cosec में होगा, सॉरी sec में होगा, तो हम उसको cosec में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये जो चेंजेस हैं ये रिवर्स भी ट्रू होते हैं, मतलब ऑब्वियस है साइन अगर cos का कॉम्प्लीमेंट्री है तो cos भी साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर मान लीजिए फंक्शन साइन में होगा तो हम cos में कन्वर्ट कर देंगे, cos में होगा तो साइन में कन्वर्ट कर देंगे, टेन में होगा तो cot में कन्वर्ट कर देंगे, cot में होगा तो टेन में कन्वर्ट कर देंगे, sec में होगा तो cosec में कन्वर्ट कर देंगे, एंड cosec में होगा तो sec में कन्वर्ट कर देंगे। बट ये सिर्फ तब करना है जब आप मेथड नंबर 2 यूज कर रहे हैं। मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मेथड 1 सिखाई थी, वहां पर हमें ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो पुरानी मेथड जैसा ही काम है, क्वाड्रेंट्स देखिए, क्वाड्रेंट्स देखने के बाद फंक्शन का साइन देखिए, साइन देखने के बाद आप ये देखिए कि उसका डिफरेंस कहां है, कितना है, और ये डिफरेंस देखना है कहां से, 90 डिग्री से
270 डिग्री से, एंड देन आफ्टर सबसे लास्ट में आपको इस चीज का ध्यान देना है कि जो भी फंक्शन आपके पास था उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन साइन में था तो आप आंसर कॉस की हेल्प से निकालेंगे, साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, अगर सेक में होगा तो कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंफ्यूजन और आता है कि क्या आंसर्स बदल जाएंगे, नहीं, आप मेथड वन यूज करें मेथड टू यूज करें दोनों से सेम आंसर्स आएंगे। आइए देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एक एंगल लिया साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री जाएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट जाएगा। ओके, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव, तो मैं यहां पर नेगेटिव लिख दे रहा हूं, तो आंसर हमारा माइनस में आने वाला है। मैंने आपको मेथड वन से वैल्यू निकालना सिखाया हुआ, आज मैं मेथड टू डिस्कस कर रहा हूं। मेथड टू में हम डिफरेंस देखते हैं फ्रॉम 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो जो ज्यादा पास में हो, इसके ज्यादा पास में 270 डिग्री है और 270 और 240 में 30 डिग्री का डिफरेंस, तो मैं 30 डिग्री लूंगा। बट जब भी आप 90 या 270 के साथ ऑपरेट करेंगे आपको फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तो साइन हमारा जो चेंज होगा वो कॉस में होगा, तो हमारा आंसर होगा माइनस ऑफ कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू रूट 3/2, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस रूट 3/2। बस ये काम इसमें एक और बढ़ जाता है मेथड नंबर टू में। मेथड वन इसलिए ज्यादा मैं प्रेफर करता हूं आपको कि उसमें आपको एक चेंज वाला लफड़ा नहीं है कि साइन है तो साइन इवैल्यूएट करेंगे, कॉस है तो कॉस इवैल्यूएट करेंगे, टेन है तो टेन इवैल्यूएट करेंगे। यहां एक काम बढ़ जा रहा है, साइन को कॉस में बदलना है, कॉस को साइन में बदलना है, टेन को कॉट में बदलना है, कॉट को टेन में बदलना है। देखिए कुछ और एग्जांपल्स। हाँ, अभी अपन एक काम और करेंगे कि सेम क्वेश्चन को अपन मेथड वन से भी करेंगे और मेथड टू से भी करेंगे और देखते हैं क्या दोनों में सेम आंसर आता है या नहीं। बिल्कुल आएगा। एक और एंगल डिस्कस कर लेते हैं, वैसे ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अगर आपने लेक्चर वन अच्छे से देखा है तो चीजें आपके लिए काफी इजी होंगी। ओके, सो चलो दूसरा लेंगे। मान लीजिए मैंने ले लिया 10 300 डिग्री। ओके, सो 300 डिग्री की आप फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में होता है 10 नेगेटिव, तो माइनस लगा दीजिए। कहां से आप डिफरेंस देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 90 270 से डिफरेंस देखेंगे तो आपको चेंज करना पड़ेगा, 180 या 360 से डिफरेंस देखेंगे तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिंपल। मान लीजिए मैं 270 से डिफरेंस देखता हूं, तो 270 और 300 में 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो मैंने एंगल मेंशन कर दिया 30 डिग्री, बट 270 में हमें चेंज करना पड़ता है, तो हमारा जो 10 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो हम चेंज करते हैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉट होता है, तो ये माइनस कॉट 30 आएगा। कॉट 30 की वैल्यू हम यहां रिप्लेस कर देंगे, कॉट 30 रूट 3 होता है, सो द फाइनल आंसर विल बी माइनस रूट 3। इसे आपको करना है मेथड वन मेथड टू, दोनों ही बहुत आसान है, बस आप अच्छे से एक बार समझ लीजिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे आप याद रखिए, अगर 180 डिग्री 360 डिग्री के साथ आप ऑपरेट कर रहे हैं तो नो चेंज, बाकी मेथड सेम है। अगर आप 90 डिग्री या 270 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इसको भी हम और कर देते हैं एंड नहीं लग रहा अच्छा, अगर आप 180 डिग्री या 360 से डिफरेंस देख रहे हैं नो चेंज, अगर आप 90 डिग्री 270 के साथ डिफरेंस देख रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री चेंज। कॉम्प्लीमेंट्री वो नाश्ता वाला कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस होते हैं उन्हें बदलना होता है, साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, तो इतनी चीजें आपको अच्छे से पता होना। दोनों ही मेथड से आप कर सकते हैं, सेम आंसर आएंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन को ना दोनों मेथड से कराता हूं। ओके, कौन सा ले? ओके, मैं ले लेता हूं, मान लीजिए कॉस 4π/3 रेडियन में है, मैंने आपको रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन भी पिछले लेक्चर में सिखाया था, जिन्होंने नहीं देखा उनको आज का लेक्चर समझने में दिक्कत जा सकती है। पाई अपॉन 3 60 डिग्री, 60 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज कॉस 240 डिग्री, सो ये मैं निकाल रहा हूं मेथड नंबर वन से। ओके, सो देखिए 240 डिग्री, 240 डिग्री गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस होता है नेगेटिव, तो हम लगा देंगे माइनस। अब हमें डिफरेंस देखना है 180 से या 360 से, जो ज्यादा पास में हो, तो ऑब्वियस है 240 के ज्यादा पास 180 है, तो 180 और 240 में 60 डिग्री का डिफरेंस होगा, तो हम 60 लिख देते हैं। क्योंकि हमने डिफरेंस देखा है 180 से और 360 से, तो फंक्शन में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, कॉस का कॉस ही रहेगा। हमारा फाइनल आंसर आएगा माइनस कॉस 60, कॉस 60 होता है 1/2, सो द आंसर विल बी माइनस 1/2। दिस इज फ्रॉम मेथड नंबर वन। अब देखिए सेम प्रॉब्लम हम देखते हैं मेथड नंबर टू से। क्वेश्चन है हमारे पास कॉस 4π/3 जो कि रेडियन में है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, सो दिस विल बी कॉस 240 डिग्री। अब आते हैं कहां तक कहानी जाएगी,
240 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस नेगेटिव, तो हमने माइनस लिख दिया। डिफरेंस हम दूसरी जगह से देख रहे हैं, 90 से या 270 से, तो 270 ज्यादा पास में है तो मैं 270 से डिफरेंस देख लेता हूं। 270 और 240 में 30 डिग्री का डिफरेंस है, तो मैंने 30 डिग्री के लिए लिया। अब ये देखिए मैंने डिफरेंस कहां से लिया है, मैंने डिफरेंस लिया है फ्रॉम 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले जो चॉइसेस थी, और इस केस में हमें चेंज करना होता है, कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करना होता है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, तो इसको मुझे बदलना पड़ेगा, कॉस को मुझे चेंज करना पड़ेगा और कॉस को कन्वर्ट करके मुझे करना पड़ेगा साइन। साइन की वैल्यू होती है साइन 30 की 1/2, सामने माइनस है, सो द आंसर विल बी -1/2। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों ही केसेस में हमें सेम आंसर्स मिले हैं, दोनों ही केसेस में हमें सेम आंसर्स मिले हैं। आप मेथड 1 यूज करिए, मेथड 2 यूज करिए, जैसी आपकी चॉइसेस है, बट आपको मेथड दोनों ही आनी चाहिए। अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चेंजेस के अकॉर्डिंगली टेबल फॉर्म करके बताऊंगा, जिसमें हम अलग से फॉर्मूलाज फॉर्म करेंगे, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, तो वो सारी चीजें आपको इन दोनों मेथड से ही बनेंगी। तो ये दोनों मेथड आप अच्छे से एक बार रिवाइज करिए, लेक्चर्स रिवाइज करिए, मेथड 1 और मेथड 2 में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बस सिर्फ चेंज का फर्क है। अगर आप 180 या 360 के साथ ऑपरेट करते हैं तो आपको फंक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप 90-270 के साथ ऑपरेट करते हैं तो बस एक चीज का ध्यान देना है कि फंक्शंस में हमें कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करना होगा, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में बदल जाएगा, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में। आई होप आपको मेथड समझ में आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए नमस्कार।